नमस्कार, तमारू बधानु फरी वखत हार्दिक स्वागत छे। तो गया लेक्चर नी अंदर आपणे यूनिट नंबर 2 मानव वस्ती छे शुरू कर्यो तो अने एनी अंदर पाछा आज आपणे आगळ आववाना छीए धोरण 12 आर्ट्स भूगोल नी अंदर। तो चालो शुरू करिए फटाफट। तो आपणो यूनिट नंबर 2 छे वस्तीनुं कद। तो भूगोल नी अंदर आज आपो टॉपिक जे छे ए आज आपणे लेवाना छीए वस्तीनुं कद एटले शुं। तो तमे बधा जाणो छो के समग्र भारत नी अंदर जे छे वस्ती दिन प्रतिदिन खूब ज झड़पथी 2% ना दर करता पण वधारे दरथी जे छे वस्ती वधारो थई रह्यो छे एम पण आपणे कही सकीए। तो आज वस्ती वधारो छे ई वस्ती वधाराने कारणे घणी बधी बीजी बधी समस्याओ थती होय छे। तो हवे जे छेल्ली वस्ती गणतरी थई 2011 थी वात करवामां आवे तो 2011 नी वस्ती गणतरी केटली हती, ज्यारे 2001 नी अंदर वस्ती गणतरी केटली छे एनी तुलना करवानी छे। तो जोओ हवे अहीं 2001 के जे गत 2001 नी गणतरी मुजब 18,14,55,986 वधारे छे। तो तमे मित्रों जोई शको के 2001 नी अंदर जे छे वस्ती गणतरी मुजब जे छे 18,14,55,986 जे छे ए वस्ती वधारे छे। तो एनो अर्थ आपणे जोईए तो आवो पण करी सकीए के भारत क्षेत्रफळनी दृष्टिए विश्वमां 7मा क्रमे अने तमे बधा जाणो छो एम वस्तीमां बीजा क्रमे छे। એટલે ટૂંકમાં એમ પણ કહી સકીએ કે હવે ભારતની જે વસ્તી ગણતરી થઈ ગઈ એ વસ્તી ગણતરી જો હવે પછી 2021 ની અંદર કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ 2031 ની અંદર કરવામાં આવશે, એટલે કે દર 10 વર્ષે વસ્તી ગણતરી છે એ કરવામાં આવે છે। તો હવે વસ્તી ગણતરી જો કરવામાં આવશે તો મારા અંદાજ પ્રમાણે જો આની પર કાબુ મેળવવામાં નહીં આવે तो विश्व नी अंदर सौथी वधु वस्ती धरावता देशों नी यादी नी अंदर आपणे प्रथम क्रमे हशुं। एटले शिक्षणनो व्याप वध्यो छतां पण लोकोनी मानसिकतामां हजी पण बदलाव आव्यो नथी अने मारुं मानवुं एवुं छे के घणा लोको एमने धर्म साथे जोडीने पण जे छे वस्ती वधारो करी रह्या छे। चालो तो अने वस्तीमां बीजा क्रमे जे छे भारत छे ई आवे छे। तो एवुं पण कही शकाय के विश्वमां दर 6थी व्यक्ति भारतीय छे आवुं पण आपणे कही शकाय। जेम चीन माटे आपणे केम कही सकीए के भाई चीन नी अंदर आपणे एवुं कीधुं के विश्वमां दर 5मी व्यक्ति छे ए चाइनीज छे, एम कही सकीए। एम भारतनी वात जो करवामां आवे वस्ती गणतरीना संदर्भमां तो आपणे एवुं कही सकीए के भाई विश्वनी अंदर दर 6थी व्यक्ति शुं छे भारतीय छे। हवे तमे आंकड़ा जोजो तो तमने वधारे अंदाज आवशे के भारतनी जे वस्ती छे भारतनी वस्ती जो हवे तमे विचारजो के भारत देश छे आपणो अने आ देश जे छे ई 3 खंडनी जे वस्ती थाय एना करता पण आपणी वधारे वस्ती छे। तो भारतनी वस्ती उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जोजो भारतनी वस्ती जे छे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अने ऑस्ट्रेलिया संयुक्त वस्ती थी। तमे विचारो कि आ 3 खंडो भेगा थाय एनी संयुक्त वस्ती थी वधारे छे, बराबर। एनी संयुक्त वस्ती एटले कया कया खंड जो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अने ऑस्ट्रेलिया नी जे संयुक्त वस्ती छे एना करता पण भारत नी वस्ती शुं छे तो के वधारे छे। हवे वात करीए बीजी भारतनी वस्ती आफ्रिका खंडनी कुल वस्ती करता, बराबर, आफ्रिका खंडनी कुल वस्ती करता 1.5 गणी अने यूके आ देश छे, बराबर छे, अने यूके छे यूके करता 7 गणी यूके करता 7 गणी वधारे छे। बराबर यूके करता 7 गणी जे वधारे वस्ती है भारतनी छे। आम बात करिए तो भारत अने जो आम बात करिए तो पाकिस्तान अने बांग्लादेशनी बराबर पाकिस्तान अने बांग्लादेशनी वस्ती करता भारतना उत्तर प्रदेश जो तुम विचारो कि भारतना उत्तर प्रदेश राज्यनी वस्ती वधारे छे। बोलो हवे तमे विचारो के सरकार जे छे ए केटला समय सुधी अथवा तो केटली बधी मदद पहोंचाडी सके एटली वस्तीने, अने साथे साथे आपणा देशमां भ्रष्टाचार तो एक आम वात थई गई छे बराबर। तो तमे विचारो के पाकिस्तान अने बांग्लादेश जे बे देशो छे एना करता भारतनु एक राज्य छे उत्तर प्रदेश, एनी वस्ती आ बे देशोनी वस्ती करता पण शुं छे वधारे छे। तो एनो मतलब तमे एम पण समजो के दुनियाना मोटा भागना जे देशो छे एनी वस्ती छे एकली वस्ती छे भारत देश छे पोते साचवीने बेठो छे एम पण आपणे कही सकीए। तो आम जोईए तो आ व्याजबी वात तो छे नहीं, सीधी रीते आपणे जोईए तो बराबर। तो आज आखो मुद्दो जे छे भारतना वस्तीनु कद जे छे ये भारतना वस्तीनु कद कई रीतनु छे ये आपणे समज्या। चालो तो फरी वखत एने रिपीट मारी ली। तो भारत में 2011 नी वस्ती गणतरी मुजब 121 करोड़ वस्ती हती के जे 2001 करता केटली वधारे हती, तो के 18 करोड़ जेटली वस्ती वधारे छे। साथे साथे विश्व में दर 6 व्यक्ति भारतीय छे ए पण आपणे समज्या। भारत क्षेत्रफळनी दृष्टिए 7मा क्रमे छे अने वस्ती में बीजा क्रमे छे। टूंक समय में लगभग आपणे एवुं बोलता हशुं के पहला क्रमे छे, जो के शरमनी वात पण छे अथवा तो एम पण कही सकीए के शिक्षणनो व्याप वध्यो होवा छतां शिक्षित समाज पण जे छे क्यांक ने क्यांक अमुक मान्यताओथी घेरायेलो रहे छे। साथे साथे भारतनी वस्ती उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अने ऑस्ट्रेलियानी संयुक्त वस्तीथी पण वधारे छे। भारतनी वस्ती आफ्रिका खंडनी कुल वस्ती करता केटला गणी वधारे छे, तो के भाई 1.5 गणी छे वधारे छे अने यूके करता 7 गणी छे वधारे छे। पाकिस्तान अने बांग्लादेश नी वस्ती थाय एटली भारतना खाली उत्तर प्रदेश राज्य नी वस्ती थाय छे। तो आ जे छे वस्तीनु जे छे भारतनी वस्तीनु कदनी वात करी। चालो हवे एनी पछीनो मुद्दो लईए जे 5 मार्कनो प्रश्न पण छे, जवाब पण छे। तो आपणो आखो जे छे मैप तैयार थई गयो छे। हवे आमां पॉइंट टू पॉइंट आपणे जोता जईए तो पहेलो पॉइंट एवो के छे भारत में वस्ती वितरणनी प्रादेशिक विभिन्नताओ। 5 मार्कनो सवाल छे, खास याद राखजो। भारत में वस्ती वितरणनी प्रादेशिक विभिन्नताओ। चालो तो भारत में वस्ती वितरण की प्रादेशिक विभिन्नताओं की चर्चा करिए। तो एमां पहलो पॉइंट एवो आवे छे के उत्तर प्रदेश अने महाराष्ट्र आ बे राज्योनो वस्तीनो सरवाळो करीए तो लगभग ते भारतनी चौथा भागनी वस्ती छे ई समावे छे। कया बे राज्यो कीधा? एक वात करी आपणे उत्तर प्रदेश बराबर छे, उत्तर प्रदेश अने महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश अने महाराष्ट्र राज्य छे न्या देशनी केटला भागनी वस्ती रहे छे? तो आ बे जे बे राज्यनी वात करीए तो चौथा भागनी वस्ती छे ए आ बे राज्योनी अंदर जे छे ई वसवाट करे छे। अने वात करीए तो क्षेत्रफळनी दृष्टिए राजस्थान छे प्रथम क्रमे छे, त्यारबाद बीजा नंबरे मध्य प्रदेश आवशे, त्यारबाद त्रीजा नंबरे कोण आवशे? महाराष्ट्र। क्षेत्रफळनी दृष्टिए ज्यारे हुं कहूं छुं त्यारे विस्तारनी दृष्टिए तमारे समजवानुं छे। तो क्षेत्रफल दृष्टि अनुक्रमे मोटा बे राज्यों छे, एक राजस्थान छे पहला क्रमे छे, बीजा क्रमे कोण छे तो के मध्य प्रदेश। परंतु आनी खासियत ई छे जो तो के भाई जो क्षेत्रफल दृष्टिए राजस्थान अने मध्य प्रदेश बे मोटा राज्यों छे, बराबर। आ बे मोटा राज्यों छे तो के एक आवशे आपलो आवी गयो राजस्थान ने एक आवी गयो आपलो मध्य प्रदेश। बराबर, तो आ राजस्थान अने मध्य प्रदेश जे छे क्षेत्रफळनी दृष्टिए मोटा राज्य होवा छतां न्याय कुल देशनी 5.6% वस्ती राजस्थान नी अंदर वसवाट करे छे अने मध्य प्रदेश नी अंदर देशनी कुल केटली वस्ती तो के भाई 6% वस्ती छे ई वसवाट करे छे। तो भारतना वस्ती वितरणनी प्रादेशिक विभिन्नतानी अंदर आपणे पहेलो मुद्दो भण्या, बरोबर। ध्यान आपजो, अहींया ध्यान आपजो तो के भाई भारत देशनी वात करीए तो क्षेत्र जे उत्तर प्रदेश अने महाराष्ट्र राज्य छे आ बे राज्योनी वस्तीनुं जे सरेराश गणवामां आवे तो भारत देशनी चौथा भागनी वस्ती आ बे राज्योनी अंदर छे। एनो मतलब सौथी वधु वस्ती थई। जारे अनुक्रमे क्षेत्रफळनी दृष्टिए अनुक्रमे राजस्थान अने मध्य प्रदेश पहला बीजा क्रमे आवता राज्यो छे तो आ देशनी 5.6% वस्ती अने मध्य प्रदेशनी अंदर 6% वस्ती छे ई वसे छे। त्यारबाद वात करीए बिहार, तो बिहार राज्य छे देशना क्षेत्रफळनो 5.6% सॉरी बिहार राज्य छे, बिहार राज्य अहींया आवशे जो आ बिहार छे, बराबर। तो आ बिहार राज्य जे छे ए बिहार राज्य देशना क्षेत्रफळनो 2.8% ध्यान राखजो, क्षेत्रफळ बराबर 2.8%, बराबर छे। એટલે કે દેશના ક્ષેત્રફળનો 2.8% હિસ્સો ધરાવે છે, પરંતુ આમ જોઈએ તો વસ્તીની વાત કરીએ તો 8.5% લોકો જે છે અહીંયા વસે છે બિહારની અંદર, બરાબર। તો ક્ષેત્રફળ કેટલું છે તો કે 2.8%, જ્યારે વસ્તી કેટલી રહે છે તો કે 8.5% વસ્તીને समावे छे, बराबर। 2.8% वस्ती ने छे ई समावे छे। तो एनो मतलब एम थयो के आपणा देशना जे 11 राज्यो अने 6 केंद्रशासित प्रदेशो छे तो न्या देशनी वस्तीनुं जे सरेराश छे, देशनी वस्तीनी सरेराश छे ई सरेराश करता शुं छे तो के वधु वस्ती छे ई त्यां वसवाट करे छे एम पण आपणे कही सकीए। चालो हवे वात करीए अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश अने उत्तराखंड में वस्ती प्रमाण भौगोलिक तुलना में शुं छे घणुं ओछुं छे। जो क्या क्या राज्यों की बात करीए आपणे तो बे राज्यों की बात करी, एक अहींया आपणो आवी गयो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ एक, अने एक बात करीए आपणे उत्तराखंड नी, अहींया उत्तराखंड, बराबर। तो आपणे अहींया पॉइंट एवो करी सकीए के अरुणाचल प्रदेश अने उत्तराखंड में तेना भौगोलिक विस्तार करता ओछी वस्ती है। हवे आपणे जाणीए छीए के आनी पाछळ भूगोल जवाबदार छे, केम तो के आ अरुणाचल प्रदेश अने उत्तराखंड राज्य छे, जो अहींया उत्तराखंड छे अहींया अरुणाचल प्रदेश छे। आ बे राज्योनी जो बात करवामां आवे तो बे राज्योनी अंदर भौगोलिक विषमताओं छे, कारण के अहींया पर्वतीय प्रदेशो आवेला छे, जीवन छे एकदम सरल छे नहीं, एटले के अहींया खेती जे छे એટલો બધો ખેતીનો વિકાસ આપણે થયો છે એવું માની શકીએ નહીં, અને એના કારણે શું થાય છે તો કે ભાઈ સપાટ જમીનનો વિસ્તાર ઓછો મળે છે એટલે અહીંયા કદાચ વસ્તી છે ઈ ઓછી છે, તો આની પાછળ એક ભૌગોલિક કારણ આપણે આવું પણ આપી શકીએ। પણ એનો અર્થ આપણને એમ સમજાવવા માંગે છે કે ભાઈ આ બધા જે ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ જે મોટા રાજ્યો છે આ મોટા રાજ્ય છે ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ છતાં પણ ત્યાં વસ્તીનું પ્રમાણ શું દેખાડે છે ઓછું દેખાડે છે। ચાલો એની પછી જોઈએ તો દેશમાં સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય કયું છે? સિક્કિમ છે। જો અહીંયા આ રાજ્ય છે સિક્કિમ છે આપણું, હા, તો દેશમાં સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય क्यों छे? सिक्किम, बराबर। देश में सौथी ओछी वस्ती धरावतु राज्य क्यों छे? सिक्किम। तो आया जे छे तमे जोई सको आया सिक्किम छे। जो तमने एवुं पूछे के देश में सौथी वधु वस्ती धरावतु राज्य क्यों छे तो देश में સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય કયું છે? उत्तर प्रदेश है। खास याद रखो वस्ती गीताओ नहीं कहते। देश में सौथी वधु वस्ती, बराबर, सौथी वधु वस्ती क्या रहे? उत्तर प्रदेश के अंदर रहे। સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ કયો છે? લક્ષદ્વીપ। તો અહીંયા યાદ રાખવાનું છે સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતો પ્રદેશ, બરાબર, કયો છે આ? તો કે ભાઈ લક્ષદ્વીપ છે। તો લક્ષદ્વીપની અંદર જે છે સૌથી ઓછી વસ્તી છે આપણને જોવા મળે છે। ચાલો, તો આ વાત થઈ ગઈ ભારતની અંદર વસ્તી વિતરણની પ્રાદેશિક વિભિન્નતાઓ। હજી એના 2-3 પોઈન્ટ છે। તો સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતો જે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની વાત કરીએ આપણો લક્ષદ્વીપ છે। સાથે સાથે વાત કરીએ તો આપણા દેશની સરેરાશ વસ્તી ગીતતા આપણે નોંધ કરી નાખીએ। આપણા દેશની સરેરાશ વસ્તી ગીચતા 382 છે, બરાબર, કેટલી આવશે? 382 છે। એમાં સૌથી વધુ વસ્તી ગીચતા દિલ્હીમાં છે, ધ્યાન રાખજો। સૌથી વધુ વસ્તી ગીચતા दिल्ली में 11,297 है अने सौथी ओछी वस्ती गीचता अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 है, बराबर, 11,297 आ दिल्ली है। चलो, तो सौथी अहीं नोंध करी नाखो वधु वस्ती गीचता, बराबर, अने अरुणाचल प्रदेश में तमारे याद रखवानुं छे टोटल 17 छे। एटले सौथी ओछी वस्ती गीचता, क्लियर? चालो, तो आ रीते आपणे समजाववा मांगे छे। तो फरी वखत जोईए भारत में वस्ती वितरणनी प्रादेशिक विभिन्नता। फटाफट आपणे एने रिपीट मारवानुं छे। तो प्रादेशिक विभिन्नता की बात करिए तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आ बे राज्यों से वस्ती गणतरी करवामां आवे तो लगभग देश की चौथा भागनी वस्ती है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की अंदर वसे छे। क्षेत्रफल की दृष्टि अनुक्रमे जे बे मोटा राज्यों छे राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो राजस्थान की अंदर 5.6% और मध्य प्रदेश की अंदर 6% देश की वस्ती है वसवाट करे छे। आम बात करिए बीजा संदर्भ में जोईए तो देश में सौथी ओछी वस्ती धरावतो राज्य क्यूँ है? सिक्किम है। और देश में सौथी ओछी वस्ती धरावतो केन्द्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन है? लक्षद्वीप है। आ सिवाय जोईए तो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश एना पोतानो जे भौगोलिक विस्तार है ये भौगोलिक विस्तार की बात करवामां आवे तो भौगोलिक दृष्टिए जोईए तो त्यां एना कुल जे विस्तार है एना प्रमाण में वस्ती शुं है तो के भाई ओछी है। बात करिए बिहार की तो बिहार नु जे क्षेत्रफल है ये देश ना कुल 2.8% जेटलू क्षेत्रफल है। आम छता बिहार नी अंदर बिहार जे छे पोते 8.5% वस्ती छे पोते समावे छे। तो आ बिहार राज्य नी बात करी। साथे साथे बात करिए तो अरुणाचल प्रदेश अने उत्तराखंड नी आपणे जे चर्चा करी। भारत नी अंदर जो वस्ती गीचता नी बात करिए सरेराश वस्ती गीचता तो भारत नी जे सरेराश वस्ती गीचता छे 382 छे। तो वस्ती गीचता एटले शुं तो के भाई प्रत्येक चौरस किलोमीटर दीठ वसेली कुल जनसंख्या। 1 किलोमीटर में केटला लोको तो के भाई सरेराश 382 लोको छे वसवाट करे छे। સૌથી વધુ વસ્તી ગીચતા ક્યાં છે? તો કે દિલ્હીમાં છે, એટલે કે 1 કિલોમીટર ની અંદર 11,297 લોકો છે વસવાટ કરે છે। અને સૌથી ઓછી વસ્તી ગીચતા ક્યાં છે? તો કે ભાઈ અરુણાચલ પ્રદેશમાં 1 કિલોમીટર ની અંદર 17 લોકો છે એ વસવાટ કરે છે। ચાલો, તો આ થઈ ગયું માનવ વસ્તી। તો આપણે 2 પોઈન્ટ લીધા, એક વસ્તીનું કદ અને બીજો આપણે પોઈન્ટ લીધો भारत में वस्ती वितरण की प्रादेशिक विभिन्नताओं। हवे पछी पाछा नेक्स्ट लेक्चर नी अंदर मळशुं। मित्रों, खास एने शेर करजो, विडियो पूरेपूरो जोजो। आ तमारा माटे छे, ए बोलावुं जोईए नहीं। आप सौनो खूब खूब आभार।